ऑस्ट्रिया का पानी पीने में बहुत स्वादिष्ट है यार। यहाँ पे कितने सारे ये देखिए टर्बाइन्स लगे हैं भाई। अभी हम आ गए हैं ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया के बॉर्डर पे नहीं, ये डिवाइस चेक करवाने। ये है टोल टैक्स की डिवाइस। तो डिवाइस में केवल 26 यूरो ही थे, अभी हमने इसमें 50 यूरो का और रिचार्ज करवा लिया है। ये कंपनी का फोन और CMR लेके ऑफिस चलते हैं। पहले पनीर को थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। मॉर्निंग एवरीवन। तो क्या हाल चाल सबको, प्यार भरी गुड मॉर्निंग ऑस्ट्रिया की हरी भरी वादियों से। तो भाई अभी हम दो शिफ्टें खत्म कर चुके हैं और तीसरी शिफ्ट के लिए राहुल बैठ गया है सीट पे। जैसे मैंने बताया था कि हम कल मिलान से वेनिस से ऑस्ट्रिया में एंटर हो गए थे। भाई सुबह से लेके बहुत अच्छी वादियां चल रही थी, मतलब बहुत अच्छा सीनिक व्यू चल रहा था, लेकिन मैं ड्राइव कर रहा था तो वीडियो नहीं बना पाया। और जैसे ही हम थोड़ा आगे निकले और मेरी शिफ्ट एंड हुई तो भाई बाहर लग गई है बारिश। बाहर बारिश हो रही है, इस बारिश ने पूरा गड़बड़ कर दिया भाई। सीनिक व्यू इतने मस्त चल रहे थे कि मतलब मैं क्या ही बताऊं। ऑस्ट्रिया स्विट्जरलैंड के बिल्कुल बगल में है, तो मतलब स्विट्जरलैंड का सेम कॉपी इधर भी वही है। अभी हमारा सफर लगभग यहाँ से 280 किलोमीटर का और है स्लोवाकिया के लिए। कंटिन्यू ड्राइव रहेगा और आज अनलोडिंग का टाइम है हमारा 1 बजे का, तो लेकिन देखते हैं कि हम उस टाइम पे वहां पर पहुंचते हैं या नहीं। अगर लेट हुए तो मैनेजर को फिर से बताएंगे कि भाई हम हो गए हैं लेट, थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर लीजिए। सर अभी हम यहाँ ऑस्ट्रिया में एक ट्रक पार्किंग में रुके हैं, यहाँ पर हमें फ्रेश रूम मिल गया। मैंने बहुत सारे साथियों से सुना है कि ऑस्ट्रिया का पानी पीने में बहुत स्वादिष्ट है, तो अब यहाँ पे आज हम अपना पानी भर लेंगे फटाफट। यार आज मौका मिल गया है ऑस्ट्रिया में आने का और साथ में यहाँ का पानी भी टेस्ट कर लेते हैं। पानी भर के देखते हैं सच में ही इतना टेस्टी है या नहीं, क्योंकि पानी तो वैसे सारे यूरोप का अच्छा ही है पीने के लिए, लेकिन बहुत सारे दोस्तों ने बताया कि ऑस्ट्रिया का पानी सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट है पीने में। पार्किंग में ऐसे नलके लगे होते हैं, इसे पानी भरते हैं। ये देखिए दूसरे भाई भी कोई पानी भरने के लिए आए हैं। पानी तो यहाँ से हमने देखा कि काफ़ी लोग भर के लेके गए अभी। तो बाहर का मौसम तो देखिए, पीछे बारिश हो रही थी, यहाँ पर क्लाउडी है, यहाँ पे बारिश हुई है लेकिन अभी बारिश रुक गई है। फ्रेश हो गए, पानी भर लिया और बन रही है सुबह की गर्मा गर्म चाय। चाय पी के हो जाते हैं तैनात, सीधे पहुँचेंगे अनलोडिंग लोकेशन और सबसे पहले गाड़ी खाली करेंगे। तो जनाब दोपहर के 11 बज गए हैं। ऊँचे ऊँचे पहाड़ों को छोड़ के अभी हम बिल्कुल नीचे आ गए हैं ऑस्ट्रिया के लगभग बॉर्डर के पास पहुँच रहे हैं। 40 किलोमीटर रहता है, तो हम जा रहे हैं ब्रेटिस्लावा स्लोवाकिया। यार यहाँ पे कितने सारे ये देखिए टर्बाइन्स लगे हैं भाई, पीछे तक देखो जरा, ये देखिए पूरा एरिया भरा पड़ा है भाई, पूरा एरिया। भाई अभी हम आ गए हैं ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया के बॉर्डर पे। ठीक पीछे बॉर्डर है, सामने है जी बॉर्डर। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं अपनी ये डिवाइस चेक करवाने। ये है टोल टैक्स की डिवाइस, इससे स्लोवाकिया का टोल टैक्स कटेगा। तो इसमें हमें पता नहीं है ये एक्टिव है या इसमें बैलेंस है या इस मशीन का हमें नहीं पता, ये प्रीपेड है पोस्टपेड है। तो ये पूरा अभी वहाँ बॉर्डर पे चेक करवाएंगे एक बार इसको और वहाँ से हमें पता लग जाएगा। तो ये सब चीज़ें भाई बॉर्डर से पहले ही कर लें। मैंने पहले भी बताया है, आप जो भी कंट्री में जा रहे हो वहाँ का सबसे पहले प्लान बना लें, वहाँ पर टोल टैक्स कैसे कटता है, वहाँ पर आपको एंटर करना है, वहाँ पर कोई रोड बैन तो नहीं है, या जो भी इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो सारी इंफॉर्मेशन पहले ले लें। मोस्टली ये जो टोल टैक्स के डिवाइस है इनका अपडेट सबसे पहले ले लें, अपने मैनेजर से भी और अपने जो दोस्त होते हैं या आपके अपना नेटवर्क होता है उससे भी पता कर लीजिए कि कौन सी कंट्री में कौन सी डिवाइस चलती है। मोस्टली तो यूरोप में DKV चलती है, लेकिन कुछ कंट्रियों में स्पेसिफिक डिवाइस है तो उससे उनका टोल टैक्स कटता है। जैसे कि ये एक, इसको अभी हम चेक करवाने जा रहे हैं। ये पीछे ऑस्ट्रिया और सामने स्लोवाकिया, तो दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी होती हैं ये डिवाइस चेक करने के लिए। और अगर आप ये डिवाइस चेक नहीं करते हो और कंट्री में घुस जाते हो तो भाई आपको बहुत बड़ी पेनल्टी पड़ सकती है, क्योंकि जितने भी आप फिर टोल बैरियर से जाओगे या जहाँ पर टोल, मोस्टली कई जगह पर कैमराज लगे होते हैं टोल के लिए, तो जितने भी आप वो ब्रिजेस के नीचे से जाओगे वो सारा कैलकुलेट होके आपको बहुत बड़ी पेनल्टी बन जाएगी। यहाँ पे मौसम तो बहुत बढ़िया हुआ है, बढ़िया धूप लगी है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो हमारी नींद भी ऑलमोस्ट पूरी हो गई है, क्योंकि हम 1x1 जैसे कोई शिफ्ट कर रहा था दूसरा बंदा पीछे सो जाता था, तो हमने ऐसे अपनी नींद भी पूरी कर ली है। जैसे अभी राहुल अपनी सेकेंड शिफ्ट कर रहा था तो मैं सो गया था,
और अभी यहाँ से मेरी शिफ्ट होगी शुरू अनलोडिंग तक। अनलोडिंग है हमारी यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर नज़दीक है बॉर्डर के, ज़्यादा अंदर नहीं जाना है। स्लोवाकिया में जस्ट एंटर करेंगे और हमारी गाड़ी का अनलोडिंग लोकेशन है ये लगा है जी, ब्रातिस्लावा ज़ेरोस। भाई बढ़िया हो गया हम यहाँ पे आए। इस डिवाइस में केवल 26 यूरो ही थे, अभी हमने इसमें 50 यूरो का और रिचार्ज करवा लिया है। मैडम ने पूछा कि आपने कितने किलोमीटर आगे जाना है, तो हमने बताया कि हमें लगभग 40 किलोमीटर आगे जाना है। तो उन्होंने बताया कि 26 यूरो वैसे तो काफ़ी है, लेकिन यार पता नहीं है कि हमें कहीं यहीं से लोडिंग मिल जाए या इधर उधर जाना पड़े तो फिर रिचार्ज की मुश्किल हो जाएगी। तो हमने मैनेजर को बताया, उन्होंने बोला कि इसमें 50 यूरो डाल दीजिए। तो मिनिमम रिचार्ज भी 50 का ही था, तो इसमें 50 यूरो और डाल दिए तो अभी दिक्कत नहीं है। अगर स्लोवाकिया में इधर उधर कहीं और भी जाना हुआ, लोडिंग मिली, तो हम आसानी से जा सकते हैं क्योंकि हमारी डिवाइस में अब पैसे हैं। एक बार ऐसा होता है यार कि 40 किलोमीटर की लोकेशन है, बीच में कहीं अगर 5-10 किलोमीटर इधर उधर हो गया, कहीं GPS हम भूल गए या GPS की वजह से मिस डायरेक्शन हो गया, तो उससे भी अपना बचाव हो जाएगा। अगर 10-20 किलोमीटर गाड़ी एक्स्ट्रा भी चलती है तो अपने पास क्रेडिट है डिवाइस में, तो उससे भी टेंशन फ्री हो गए। तो भाई ये आ गए हैं अभी हम अनलोडिंग लोकेशन में। बढ़िया हुआ कि सिटी में नहीं है, बिल्कुल गांव में है, बाहर है। तो अभी वो सामने कहीं बता रहा है ऑफिस, तो वहां पर एक बार जाते हैं और पता करते हैं। अनलोडिंग का टाइमिंग तो हमारी पूरी है, 1 बजे की अनलोडिंग है, तो अभी 12:30 हो गए हैं, समय तो हमने पूरा कैच कर लिया है। बाकी उनसे एक बार पूछते हैं कि कहाँ खाली होगी और क्या अपडेट है। ये कंपनी का फ़ोन और CMR लेके ऑफिस चलते हैं, उनको दिखाते हैं भाई ये आपका लोड आया है, इसको खाली करने का क्या जुगाड़ है। भाई ये अपनी अनलोडिंग कंपनी की लोकेशन, तो हमने पता कर लिया है अंदर। उन्होंने बोला है कि 2 या 3 नंबर रैंप पे गाड़ी लेके आइए, तो वहाँ पे गाड़ी लगी है, इसके बाद हमारी गाड़ी यहीं पे अंदर अनलोड हो जाएगी 2 या 3 नंबर रैंप पे। इस बार हमारे पास खाने का ही सारा सामान है, ये सारा टेम्परेचर वाला सामान है पूरा। तो ये कंपनी भी खाने पीने वाली है, अंदर मैं गया था देखने तो पूरा खाने पीने के सामान पड़े हैं। अभी कंपनी का नाम और देखिए, ये पूरे फूड प्रोडक्ट्स सप्लाई करते हैं। तो यार 2 नंबर और 3 नंबर में इनकी खुद की सप्लाई की गाड़ियाँ अभी लोड हो रही है, तो जैसे ही यहाँ से ये मूव हो जाएगी फिर हम अपनी गाड़ी लेके आएंगे, फिर अपनी गाड़ी को लगा देंगे यहाँ पे और फिर साथ में खाना भी खा लेते हैं पहुँच के यहाँ पे। भाई स्लोवाकिया में हमारी मुलाकात हुई, ये देखिए नमस्ते इंडिया। तो भाई क्या ज़बरदस्त बात है, भाई अंदर ही बैठे हैं, ये भी इंडिया से ही हैं, 2 भाई मिले हमारे को यहाँ पे इंडिया वाले। और यार ये देखो कितनी अच्छी बात है, यहाँ पे देखिए इंडियन फ्लैग बना है एंड नमस्ते इंडिया, बहुत अच्छा लगता है। मतलब आप इतने दूर प्रदेश में आपको ऐसा कुछ देखने को मिले, नमस्ते इंडिया से, बहुत खुशी होती है भाई। तो यार शाम के 4 बज गए हैं, इन्होंने गाड़ी खाली करने के लिए बहुत टाइम लगा लिया। यहाँ पर आके हमने खाना खा लिया था और फिर सो गए थे। अभी राहुल की शिफ्ट एंड होगी और मेरी लास्ट शिफ्ट है, हमें अगला टास्क मिल गया है। हमारी लोडिंग है यहीं से स्लोवाकिया से और अनलोडिंग है फ्रांस की। यार जो हमें इस बार टास्क मिला है वो है बहुत एक्सपेंसिव कार्गो का, तो इसमें ड्राइवर्स के लिए बहुत सारी इंस्ट्रक्शन भी है। तो देखते हैं, हमारा यहाँ से सफ़र है 250 किलोमीटर उस लोडिंग लोकेशन का। अभी हम वहीं निकल रहे हैं, कहीं नियर बाई पार्किंग देख के वहीं पर अपना आराम करेंगे, अपनी 9 घंटे की रेस्ट शुरू करेंगे, खाना पीना वहीं तैयार करेंगे और कल वहाँ से लगभग 1 घंटा पहले अपनी लोकेशन के लिए निकल जाएंगे। जब मैं कंपनी में अपने डॉक्यूमेंट्स देने गया था तो यहाँ पर एक एम्प्लॉई मुझसे टेम्परेचर टिकट मांग रहा था, तो मैंने बहुत बोला कि हमारे पास ऐसा कोई टेम्परेचर टिकट नहीं है, हमारे पास सिर्फ CMR है और जो हमारा टास्क है मोबाइल में, वो मैंने उसको दिखाया। तो अब अनलोड करके वो फिर से टेम्परेचर कुछ बोल रहा था, समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन हमने उसको बता दिया कि भाई कोई इंग्लिश में बात करने वाला लाओ या तो हमारे पास कोई टेम्परेचर का टिकट नहीं है। तो वो बार बार टिकट मांग रहा है, तो उसको फिर अपना टास्क फिर से दिखाया और बोला भाई जो लिखना है वो लिखो, हमारे पास कोई टिकट नहीं है। उसका एक मैनेजर आया, शायद मैनेजर ही होगा, तो उससे बात करी तो उसको बताया भाई कोई नहीं है, ये ट्रेलर चेंज हुआ है, हमें इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, हमारे पास खाली एक CMR है और इसका टास्क नंबर है, तो इसके सिवा हमारे पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें कि टेम्परेचर मैंशनड है। और जो हमारा रिफर चल रहा है वो आप देख लो वो कितने पे चल रहा है, वो हमें पता है। तो भाई अभी हमें स्लोवाकिया से ही लोडिंग मिली थी जैसे मैंने बताया था, अभी हम एक पेट्रोल स्टेशन की पार्किंग में आए, भाई पार्किंग नहीं मिली और हमारा ड्राइविंग टाइम खत्म हो गया है। तो हमने आज देखी पहली बार ऐसे ही रोड पे यहाँ पर टेढ़ी करके गाड़ी लगा दी है, यहाँ देखिए ये गाड़ियाँ भी ऐसे लगी हैं। ये पेट्रोल स्टेशन यहाँ पे छोटे छोटे, इनमें ज़्यादा पार्किंग ही नहीं होती, तो जो पार्किंग है पहले ऑक्यूपाइड हो गई है। हमारे पीछे एक और गाड़ी आ गई है वहाँ पे, वो देखिए वो भाई ने हमारे पीछे गाड़ी लगा दी है क्योंकि पार्किंग नहीं है भाई, ड्राइविंग टाइम भी खत्म हो गया तो क्या करेंगे। और वो देखिए ऊपर ये जो फ्लाईओवर जा रहा है ये है मेन रास्ता, हमें उसी डायरेक्शन में जाना है, वहीं पे हमारी लोडिंग है कल दोपहर की। और इधर से हम आए हैं
मौसम हल्का क्लाउडी हो गया है लेकिन बहुत मस्त है। पीछे हल्की सी बारिश हो रही थी लेकिन भाई मौसम बहुत ऑसम हुआ है यहाँ पे। अभी सबसे पहले चलते हैं पंप पे और देखते हैं यहाँ पर नहाने धोने का और फ्रेश होने का क्या जुगाड़ है, वो सबसे ज़रूरी है। हमारे पास रेस्ट के लिए काफ़ी टाइम है, कल दोपहर की हमारी लोडिंग है तो हम लगभग 12 बजे यहाँ से निकलेंगे और सफ़र है सिर्फ 50 किलोमीटर। तो यहाँ से ऐसा होगा कि सुबह नहा धो के अपना खाना बना के सफ़र बढ़िया शुरू हो जाएगा। इससे छोटे छोटे पेट्रोल पंप है यहाँ पे, तो यहीं पर देखते हैं अब अपना कुछ खाने पीने का भी कुछ मिल गया तो वो भी ले लेते हैं। एक बार लोकेशन देखिए यार, इस पेट्रोल पंप के पीछे देखिए क्या ज़बरदस्त बैठने के लिए जगह बनी है। ये देखिए, ये लोकेशन देखने में तो ऐसे लग रहा है कि जैसे नाले जैसे महल, लेकिन बहुत बढ़िया। हाईवे से जब हम नीचे उतर रहे थे तो ऐसा ही लग रहा था, लेकिन लोकेशन बहुत प्यारी है यार, बहुत बहुत प्यारी। ऐसे पहाड़, हरियाली, ये सब देखे ना भाई, यही चीज़ यूरोप की सबसे बेस्ट है जो आपको मोह लेती है। अपने पास टाइम बहुत है अभी खाना बनाने के लिए। हमारे पास वैसे तो मशरूम की सब्जी बनी है लेकिन हम लेके आए थे स्पेन से, सरपंच से, सरसों का साग। तो भाई थोड़ा सा उससे पनीर भी मंगवा लिया था तो आज बनेगा पालक पनीर। तो वहाँ पे हो रही है तैयारी, प्याज, अदरक, लहसुन और थोड़ा सा पनीर को रोस्ट कर लेते हैं। भाई जब से इंडिया से आए हैं तब से एक बार भी पनीर नहीं खाया है, तो आज लगभग समझ लो कि 3 महीने हो गए हैं। 3 महीने के बाद पनीर खा रहे, नहीं तो घर पे तो अपना हमेशा ताज़ा पनीर मिलता है या घर पे खुद तैयार कर लो। तो भाई इंडिया में तो खाने पीने के तो पूरे मज़े हैं, लेकिन आज हो गए हैं 3 महीने, 3 महीने के बाद आज पनीर बना रहे हैं खुद से। पहले पनीर को थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा लगा लेते हैं सेक। तो भाई उतना बड़ा शेफ तो नहीं हूँ पर कोशिश कर रहा हूँ आज बनाने की। तो भाई थोड़ा सा अपने पनीर को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है, ऐसे टेस्ट अच्छा आता है पनीर का यार। तो भाई तैयार है बनके अपना पालक पनीर, तो बताना जरा कमेंट में भाई कैसा बना है। खा के तो मुझे पता लगेगा पर इसकी शक्ल देख के तो आपको भी पता लग ही जाएगा कि कैसा बना है। सब्जी तैयार है, सारा खाना तैयार है और अभी हम यहीं पर बैठ के खाना खा रहे हैं अपना। कौन अब अंदर उठाए बाहर फिर बर्तन लेके आए, इससे अच्छा कि यहीं पर एक बार अपना खाना खत्म कर लेते हैं और फिर ही अंदर जाते हैं। बाहर अभी देखिए रात के 8:30 हो गए हैं लेकिन मौसम अभी ज्यों का त्यों। तो भाई आज अच्छे से खाना पीना हो गया, अपने बर्तन धो दिए हैं और सब काम सेट। अभी थोड़ी देर करते हैं वॉक और फिर करते हैं आराम। आराम के लिए हमारे पास टाइम काफ़ी है, कल सुबह तक तो हमारी 9 घंटे की रेस्ट है और उसके बाद भी हमारे पास 3-4 घंटे होंगे। तो कल हम एक बार यहाँ से अपनी दाल बना के निकलेंगे, अभी साग भी बना हुआ है और दाल भी बना लेंगे, फिर हमारी लोडिंग होगी और लोडिंग के बाद फिर अगला टास्क शुरू। हमारी अनलोडिंग है फ्रांस की, इस बार हमारा सामान थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें हमारे को जो पार्किंग भी मिली है उसके पहले ही कोऑर्डिनेट आ गए हैं क्योंकि सामान थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है। हमें टास्क में पहले ही मेंशन किया है कि कुछ एक्सपेंसिव मटेरियल होगा, तो मतलब जैसे कि 30 मिनट से ज़्यादा अपनी गाड़ी को अकेला नहीं छोड़ना है, उसकी सील लॉक वगैरह प्रॉपर चेक करने हैं और भी बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। और वैसे भी सारी गाड़ी वाले भाई अभी सो गए हैं मोस्टली, ये ज़्यादातर सिंगल ड्राइवर चलने वाली गाड़ियां हैं तो मतलब सब मैक्सिमम सो गए हैं, सब वीराना हो गया है। तो यार अब हम भी आराम करते हैं, टाइम भी हो गया है सोने का। तो मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो और कुछ नए काम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।